ठीक है, अब मैं नहीं रोऊंगी, बस बहुत हो गया। रोने से दिल हल्का होता है तो रो लो। नहीं नहीं, बहुत रो लिया बस। और वैसे भी अब बस 2 महीने ही तो बचे हैं, उसके बाद मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। नॉर्मल रहने की कोशिश करनी होगी तुम्हें, ताकि किसी को कुछ पता ना चले। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ज्यादातर 1-2 दफा ही मैंने ऊटपटांग हरकतें की होंगी और कुछ नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ समझा होगा। अब कोशिश करूंगी कि ऐसा कुछ ना करूं मैं, क्योंकि हम एक नहीं होने वाले कभी। पुरानी सोना बनकर काम करूंगी अब मैं, उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा, है ना? अम्मी अपने पाँव को ऐसे करें और फिर इस तरह से टांगे दोनों खोल दें। ठीक है, क्या ऐसे? जी हाँ। फिर अपने राइट हैंड से लेफ्ट फुट और लेफ्ट हैंड से राइट फुट टच करें, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे। अब आप करें। क्या इस तरह? जी बिल्कुल। आई। हाँ शाबाश अम्मी, आपने अच्छा किया। आपके घुटने तो मुड़े भी नहीं। अंकल से तो बिल्कुल ही नहीं होता, उनके तो घुटने मुड़ हाँ। जाते हैं। हाँ तो मैं तुम्हारी तरह नन्ना मुन्ना नहीं हूँ। अगर मेरी टांगे लंबी हो तो मेरा क्या कसूर है? अपनी अम्मी को देखो कि वो कैसे कर रही हैं। हाँ तो इसमें क्या गलत है? वहाँ बैठकर देखना अलग बात होती है, यहाँ आकर तो देखें। बच्चों के सामने इस तरह की बातें नहीं करते। हाँ चले अम्मी, छोड़े अंकल को, आप करे ना। लेकिन बेटा मैं थक गई हूँ, मेरी भी एक लिमिट है। चले अब इस तरफ से। हाँ इस तरफ से बिल्कुल ऐसे ही। चले अब करे जल्दी, 1-2-3-4। बहुत अच्छे। बस हो गई मेरी। हाँ बाबा आ गए, बाबा। चलो सोना योगा पर फोकस करो। इधर आओ मेरी शरारती बिल्ली। गुड मॉर्निंग। चले बाबा आज हम माहिरा मॉन्स्टर बनते हैं। अच्छा तो चलो ठीक है फिर, चलो टाइट पकड़ना मुझे अब। मैं हूँ माहिरा मॉन्स्टर, मैं यहाँ हूँ। मुझे बिल्कुल हाथ मत लगाना, मैं नहीं तुम्हारे साथ आ सकता। भाई तुम बहुत ही खौफनाक बन चुकी हो। हम हैरी पर हमला करने वाले हैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। मॉन्स्टर चलो हम अम्मी के पास चलते हैं, चलो। नहीं नहीं यहाँ मत आना, मुझे डर लग रहा है। चलो बेटा अब मैं थोड़ा सा थक गया। लेकिन बाबा ये क्या? चलो उतरो। चले ना। क्या बाबा? मुझे अब काम पर जाना है मेरी जान। ठीक है गुड़िया, जाने भी दो। क्या हुआ स्पोर्ट्समैन निजान, कुछ जल्दी ही थक नहीं गए तुम आज? बाबा क्या आप हमारे साथ नाश्ता नहीं करेंगे? जल्दी मैं हूँ, ऑफिस में खा लूंगा। दरअसल मुझे आज जाना होगा। ठीक है चले जाना, चलो मैं जा रहा हूँ। बाबा आए, मैं आपको बाहर तक छोड़ आती हूँ। खुदा हाफिज। मैं भी जा रहा हूँ। हाँ आ जाए। हैरी क्या कोई बात हुई है जो निजात इस तरह पेश आ रहा है मुझसे? मुझे नहीं पता, बाद में बात करेंगे, अभी मैं जा रहा हूँ। कहाँ हैरी? एक जरूरी काम है, ख्याल रखना अपना। एक जूस और एक पानी प्लीज। तो अब बारी आइलैंड की है। ऐसा ही है। तुमसे डरना चाहिए, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती जो तुम कर रही हो। इसे कहते हैं भरोसा जीतना मेरी दोस्त। मुझे लग रहा है कि आइलैंड का पीछा छोड़ दिया है तुमने। पीछा किसी का भी नहीं छोड़ा मैंने, बस उसे ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया है। निजात की बेटी का नाम क्या है? माहिरा। उससे रिश्ता कैसा है तुम्हारा? पहले तो बहुत अच्छा हुआ करता था, मगर उसकी माँ के आ जाने के बाद से बहुत दूर हो गई है मुझसे। बच्चे ऐसे ही होते हैं। अगर तुम्हें निजात का दिल जीतना है तो माहिरा के दिल के रास्ते गुजरना होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर माहिरा का दिल नहीं जीता ना तो निजात को भूल जाना। उसे भूलना मुमकिन नहीं। क्या हुआ मेरी जान, क्या देख रही हो? मैं अपना पेंसिल बॉक्स बाबा के कमरे में ही भूला। तो जाओ लेकर आ जाओ जल्दी। पर मैंने तो अपनी सीट बेल्ट बांध ली। तो ठीक है मत जाओ, मैं तुम्हारे बाबा के कमरे से जाकर लेकर आती हूँ। ठीक है। ये यहाँ? ये यहाँ पर क्या कर रहा है? नोट कहाँ गया?
नहीं है यहाँ। कहाँ चला गया वो? कहीं उसने पढ़ तो नहीं लिया? क्या वो सब जान गया? मैं उससे प्यार करती हूँ, जान गया वो? मैं मारी गई। लगता है तुम्हारा ध्यान कहीं और है। नहीं तो? सच कहूं तो आजकल मेरा दिमाग भी जगह पर नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मैं नए से नए फैसले करने लगा हूं, कुछ जरूरी फैसले। जैसा कि? मैं शादी करने का सोच रहा हूं। हंस क्यों रहे हो, कुछ कहोगे नहीं? क्या कहूं, तुम्हें भी कर लेनी चाहिए। जिंदगी का एक नया रुख शुरू करके देखते हैं। सारकान, कैसा रुख? बारबेक्यू करना और फुटबॉल के बारे में बात करना? बिल्कुल यही। नहीं शुक्रिया। काश कि तुम्हारी जगह मैं होता तो फैसला करना कितना आसान होता। कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी जिंदगी में सोना जैसी लड़की मौजूद है, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो उसे कभी जाने नहीं देता। फजूल बातें करना बंद करो सारकान। क्या तुमने कभी इस बारे में नहीं सोचा? ऐसा कुछ नहीं और ना मैं कभी ऐसा सोचूंगा। अच्छा ठीक है, तुम इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? क्या सोना के साथ कुछ चल तो नहीं रहा? सोना के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हैं तो अब जाओ यहाँ से, मुझे और भी काम है। निजात, जब सोना तुम्हारी जिंदगी में आई थी तब भी तुमने मुझसे छुपाया था। खैर वो तो एक अच्छी बात थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों के दरमियान कोई मसला है। हाँ है। मुझे आने में देर हो गई ना। तुम्हारी वजह से किसी दिन नौकरी चली जाएगी मेरी। ऐसा क्या हो गया था, चलो बताओ मुझे। बहुत कुछ बुरा हुआ है बुर्जू। लालटेन उड़ाई थी मैंने। हाँ तो? उसने कल रात लैंटर्न्स में अपनी विश लिखकर डाली थी। तो फिर? जब मैं अपने स्टडी रूम में जाने लगा तो देखा कि उनमें से गिरी हुई है। ये रहा उसमें लिखा नोट। मेरा किस्सा तमाम हो गया बुर्जू, सब कुछ खत्म। कुछ खत्म नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुमने उस पे किसी का नाम लिखा था? नाम निजात तो नहीं लिखा था ना? हाँ हाँ, मुझे गलत फहमी हो गई, मैं गलत समझ बैठी थी। हाँ वो मेरे जज्बात थोड़ी भांप सकता है। मैंने कभी ऐसा शो नहीं किया कि मुझे उससे प्यार हो गया है। हाँ ऐसा ही है। तो फिर तुमने क्या सोचा है इस बार में, मुझे बताओ। मैं सोना से बात करना चाहता हूँ। दिखावा नहीं कर सकता कि मैंने नोट नहीं देखा सारकान। तुम उससे क्या बात करोगे? मैं उससे कहूंगा कि हमसे कुछ गलत हो गया है। मैं इस तरह ये खेल जारी नहीं रख सकता। ठीक है, ये वाकई बहुत नाजुक मामला है सारकान। मुझे सोना से बात करनी चाहिए अकेले में, और वो भी माहिरा की गैर मौजूदगी में। और आज रात हैरी भी मसरूफ है। तुम आज रात क्या कर रहे हो? तकरीबन रात 8 बजे के करीब। अगर माहिरा का ख्याल रखने के लिए किसी को ढूंढ रहे हो तो वो काम खुशी खुशी कर सकती हूँ। क्या आज रात तुम्हारे पास वक्त है? हाँ। जबरदस्त। आलन और मुझे कुछ जरूरी काम है, कोई जहमत तो नहीं होगी ना तुम्हें? कोई जहमत नहीं होगी, बेफिक्र हो जाओ। बहुत शुक्रिया, मैं आलन को फोन करके उसे खबर देता हूँ। तुम्हें हर किस्म के हालात में अपने नंबर बढ़ाने का फन बखूबी आता है। ये तुम्हारा मसला नहीं है सरकान। क्यों फिर से मुझसे उलझ रहे हो तुम? ऐसा है क्या, मुझे क्यों अंदाजा नहीं हुआ? निजात की कॉल है, क्या रिसीव करूं? हाँ करो। हेलो निजात। हेलो सोना, क्या आज रात हम लोग डिनर कर सकते हैं? क्या हम दोनों अकेले? किस लिए? मुझे तुमसे एक जरूरी सिलसिले में बात करनी है। कल रात से ये बात मेरे दिमाग में चल रही है, जब तक सामने बैठकर बात नहीं कर लेता मुझे सुकून नहीं आएगा। मगर आज तो हैरी भी नहीं होगा, माहिरा घर पर अकेली होगी, फिर कभी देख लेंगे। मुझे पता है कि हैरी भी घर पर नहीं, पर कोई मसला नहीं होगा, हांदे माहिरा पर नजर रखेगी। अच्छा फिर ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चलते हैं दोनों साथ। पता है उसे। हाय।
जरा एहतियात से। नजर नहीं आ रहा क्या? अगर खड़े रहना है तो साइड पर खड़े रहो। मैं कह रही हूँ गाड़ी से उतर जाऊंगी। तो तुम ही बताओ क्या करूँ मैं? उफ, उसका सामना कैसे करूंगी मैं तो शर्म से पानी पानी हो रही हूँ। ठीक है मेरी जान, सबसे पहले पुरसुकून हो जाओ, कुछ मत सोचो। हमें बस 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। कौन से स्टेप्स? जल्दी से बताओ। कहना झूठ है इनकार कर देना, मानना ही मत। बुर्जू, इस झूठ पर कैसे पर्दा डालूंगी मैं? वो नोट मेरा लिखा हुआ है। सोना, पहले तो तुम देख कर गाड़ी चलाओ प्लीज। ओह या मेरे अल्लाह। वैसे एक आइडिया है, तुम ये भी कह सकती हो कि किसी और से प्यार हो गया है तुम्हें। हाँ, वैसे नोट पर किसी का नाम नहीं लिखा था मैंने। हाँ ना, वो तो ठीक है, लेकिन अगर उसने मेरे दोस्त से मिलने की ख्वाहिश कर दी तो फिर मैं एक नकली दोस्त ढूंढती फिरूंगी। पहले मैं नकली माँ का किरदार निभा रही हूँ, फिर कोई और मेरे दोस्त का किरदार निभाएगा। हाँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि निजात साहब को अपना राजदार बना लो, कहना कि किसी को पसंद करने लगी हो तुम। क्या क्या कहती हो? हाँ, आइडिया मिल गया। कहूंगी कि सारकान से प्यार हो गया है मुझे। सारकान बीच में कहाँ से आ गया? ओह, सारकान अच्छा इंसान है और हमारे दरमियान में दोस्ती भी है। अगर निजात मुझे ना मिलता तो मुझे सारकान से प्यार हो जाता बिल्कुल। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल बकवास आइडिया है। अंदाजा भी है कि वो कितने करीब है एक दूसरे के। क्या चाहती हूँ कि उन दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाए, दोस्ती खत्म हो जाए? सोना, अगर तुम सारकान का नाम ले लेती हो तो एक दूसरे से डिस्कस जरूर करेंगे, तो देखना तुम्हें ही शर्मिंदगी होगी। इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकती। सही कह रही हो यार, ये सब करना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे निजात को सच सच बताना होगा। तुम सामने देखो। हाँ कहो। तुमने फिर वही किया है? जबरदस्त जबरदस्त। शौकत, मैं ये तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि आपके बाद से मेरा वकील तुमसे बात करेगा। कॉल क्यों की है? मुझे बात करनी है। कहो, सुन रही हूँ। देखो, कॉल पर नहीं, आमने सामने बैठकर बात होगी। समझ गई? ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। पापा जी। बेटा, आपने तो कहा था हर चीज ठीक है। हाँ, तो सब ठीक है। ऐसा लग तो नहीं रहा आपकी किसी से बहस हो रही थी ना? बाबा, ये वही शख्स है ना जिसने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी? नहीं, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। मैं कब जमा करके लाता हूँ? जब तक तुम ऐसा करो कि कॉफी बनाओ। चलो ठीक है, शाबाश, जल्दी। हनी भी, जरा आकर मेरी मदद करना। क्या हांडे आंटी के साथ मेरा रुकना जरूरी है क्या? हैरी अंकल के पास चली जाती हूँ मैं। हैरी अंकल को बहुत जरूरी काम था इसलिए वो चले गए, वरना तुम जा सकती थी। बाबा और आप अकेले जा रहे हैं ना, इसलिए मान गई हूँ मैं, वरना ये बात कभी ना मानती। अल्लाह अल्लाह, होशियार लड़की। खा जाऊंगी मैं तुम्हें। मत खाए अम्मी। करीम को भी बुलाया है? हाँ। स्कूल में मायरा अपनी किताब करीम के पास भूल गई थी तो हम दोनों से लौटाने आए हैं। ये बहुत जिद कर रहा था। बेटा कल दे देते। इंतजार नहीं कर सकता था मैं। ठीक है मायरा, जरा मेरी बात सुनो। ये देने के लिए आया था मैं तुम्हें। और ये भी। क्या है ये? खत लिखा है मैंने। लेकिन तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? दरअसल ऐसा करने के लिए मुझे मेरे भाई ने कहा था। चलो अब चलते हैं करीम। कॉफी तो पी के जाती, फिर किसी और दिन। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। तुम्हारे हाथ में क्या है हनी भी? कुछ नहीं, कागज है बस। ठीक है, चलो अब मुझे जल्दी से प्यार करो। निजात से बात करने का फैसला कर लिया तुमने? और अगर कर लिया है तो क्या बात करोगी? उफ, अब क्या कहूंगी मैं उसे। निजात, ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया मैंने। कितनी बकवास शुरुआत है। तुमसे ना कोई काम ढंग से नहीं होगा सोना। मैं भी नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो हमारे दरमियान। वैसे मैं अपने जज्बात रोक नहीं सकी और जो मेरे दिल में आया वो लिख दिया। ये भी ठीक नहीं है। क्या करूं मैं? प्यार हो गया है तो उसके लिए अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना मुझे।
क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अम्मी, कुछ से क्या बातें किए जा रही हैं आप, इशारों इशारों में? हाँ, मैं जरा बोर हो रही थी तो सोचा कि खुली हवा में सांस ले लूं। क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम था बेटा? तुम्हारे हाथ में क्या है? करीम आया था ना, वो देकर गया है मुझे। इसमें क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा। तो तुम्हारे लिए करीम ने खत लिखा है। क्या आप पढ़कर सुनाएंगी? पढ़ती हूँ। माहिरा, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, तुम्हारे बाल और तुम्हारी हंसी भी बहुत अच्छी है। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं, तुम्हारा करीम। इस लड़की को तो देखो जरा, बस इतना सही लिखा है। हाँ, बस इतना सही है। लो पकड़ो। अम्मी, मैं उसे वापस कर दूंगी या फेंक दूंगी, मुझे नहीं चाहिए ये। लेकिन बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। किसी का दिया हुआ तोहफा ना फेंका जा सकता है, ना ही उसे वापस लौटाया जा सकता है, ठीक है? खास तौर पर खत। ये समझो इंसान अपना दिल तुम्हारे हवाले कर रहा है। मेरे ख्याल से तुम्हें इसे संभाल कर रखना चाहिए। अच्छा, वाकई? हाँ ठीक है, तो इसे मैं कमरे में छुपा देती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ओके। तो करीम, हाँ हनी भी, क्या तुम्हारा पेन और पेपर ले सकती हूँ मैं? क्या आप बाबा के लिए खत लिख रही हैं? हाँ, लेकिन ये राज हमारे दरमियान रहेगा, ठीक है? अच्छा ठीक है। बुर्जू जी, कहिए सारकान साहब। मुझे कैमरे के लेंस नहीं मिल रहे, यहीं रखे थे, न जाने कहां चले गए। इसमें रख दिए थे मैंने, और जिन लेंसेज का जिक्र किया था वो ऑर्डर कर दिए थे मैंने, सब इसी में है। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। वाकई बुर्जू, तुमने मेरी जिंदगी कितनी आसान बना दी, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं, बताओ मुझे। ये तो काम है मेरा। शुक्रिया तुम्हारा। मेरी बात सुनो बुर्जू, इस तरह के होशियार और चालाक लोगों से तुम्हें दूर रहना चाहिए। तुम जैसी मासूम और सीधी सादी लड़कियों को ये अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं और फिर उनका दिल तोड़ते हैं। पहली बात, मैं यहाँ पे काम करती हूँ रिफत, और दूसरी बात, और मुझसे इस लहजे में बात करते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? मुझे शर्म? शर्म तो उसे आनी चाहिए, अपने ही ऑफिस की लड़की को बातों में घेर रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा कि वो तुम्हें किस तरह देखता है? रिफत, तुम्हें जो कहना था कह दिया, लेकिन अब चुप रहोगे तो बेहतर होगा, और मुझ पे और मेरे बॉस पे नजर रखने की जरूरत नहीं। अपने काम से काम रखो, वरना नौकरी चली जाएगी। कहाँ घूम रहे हैं आप? हांदे साहिबा निजात साहब के साथ चली गई हैं, तो बस कुछ चीजें घर भिजवानी है, मेरे साथ आ जाएं। बदतमीज बुर्जू, क्या मुझे वो पेपर मिलेंगे जिनका मैंने तुमसे कहा था? मुझे वो पेपर फौरी तौर पर चाहिए। सुबह ही प्रिंट आउट निकलवा लिया था, ये लीजिए। लाजवाब। हेलो आइलैंड मिनी जान, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ हांदे? ठीक हूँ, बस फिक्र हो रही है मायरा के साथ वक्त कैसे गुजरेगा। बिला वजह तुम्हें जहमत हुई, माफी चाहती हूँ मैं। कैसी बात कर रही हो? बहुत अरसा हो गया है मुझे उसके साथ वक्त गुजारे हुए। क्योंकि मुझे पता है उसको मूवीज देखना कितना पसंद है, तो मैं उसके लिए ये लेकर आई हूँ। हांदे, तुमने बहुत अच्छा किया, शुक्रिया।
अगर तुम तैयार हो तो हम चलें। वैसे मैंने एक मूवी देखी थी, बहुत अच्छी थी, क्यों ना हम सब साथ मिलकर वो मूवी देखें। तो तुम्हें मूवी देखनी है? हाँ, दिल तो चाह रहा है, क्या हम नहीं देख सकते? वापस आकर देख लेना एलन, अभी चलते हैं। हाँ ठीक है। हश, माहिरा कमरे में है। माहिरा तुम्हारे हवाले। माहिरा की फिक्र मत करना, साथ में अच्छा वक्त गुजारना। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्रिया। ये रही आप लोगों की कॉफी। बाबा। हाँ? अंदर चल के कॉफी पीते हैं, क्या ख्याल है? नहीं बेटा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, शुक्रिया। सानिया, मुझे रात को एक जरूरी काम से जाना है। रिफत का तो कुछ पता नहीं कि कब वापस आए, तुम यहीं पर हो ना? जी बाबा, मैं यहीं पर ही हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। शुक्रिया। मेरे बगैर ही देखना शुरू कर दी क्या? कुछ मिस तो नहीं कर दिया मैंने? नहीं, कुछ मिस नहीं किया है। देखो पॉपकॉर्न ले आई मैं तुम्हारे लिए। पसंद नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी थोड़े से खा लेती हूँ। जितना चाहो खाओ, सब तुम्हारे लिए है। तो क्या ये कंप्यूटर पसंद है तुम्हें? हाँ थोड़ा बहुत। देखो तुम्हारे लिए जूस भी लेकर आई हूँ मैं, पी लो। ठीक है। ओह, ये क्या किया मैंने, अब इसे फौरन साफ करना होगा। हां आंटी, ठीक है मेरी जान, मैं इसे साफ कर दूंगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरे रास्ते में कुछ नहीं बोले, खैरियत तो है? क्योंकि ये कोई मजाक बात नहीं है सोना। तुम मुझे डरा क्यों रहे हो निजात? अंदर चलो। और हाँ, एक मैरिनेटेड बास भी। ठीक है, मैं पीने के लिए कुछ भिजवाता हूँ, प्लीज। एक मिनट रुकिएगा, सी फूड में आपके पास क्या ऑप्शंस हैं बताएंगे जरा? ऑक्टोपस, स्क्विड, स्कैलप्स और टूना भी है हमारे पास। अच्छा, क्या सब ताजा है? जी बिल्कुल मोहतरमा, यहाँ सब कुछ ताज़ा ही मिलता है। क्या आपको यकीन है? जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, पकाते कैसे हैं, क्या ग्रिल करते हैं उसे? सुना, अब बस भी करोगी? क्यों बस करूं निजात, हम जो चीज़ मंगवा रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि वो कैसे पकाते हैं। आपका शुक्रिया। जी बेहतर। क्या तुम हर रेस्टोरेंट जाकर इतने ही सवाल करती हो? ठीक है, अब काम की बात पर आते हैं। मैं जानता हूँ ये थोड़ा अजीब है, लेकिन कल जो मुझे पता चला उसके बाद बात किए बगैर मैं सुकून से नहीं बैठ सकता था। ये रहा आपका कॉकटेल। बहुत शुक्रिया। और ये आपके लिए, इंजॉय कीजिए। शुक्रिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दरअसल बात यह है कि मैं तुम्हारे सामने अकेले में सोना खत्म। बहुत मजे का था, और पीने का दिल चाह रहा है, एक और मंगवा लेती हूँ। सोना तुम क्या कर रही हो? मैं कह रहा हूं कि यह बहुत नाजुक मामला है।
ठीक है, कहो, सुन रही हूँ। मेरे लिए इस बारे में बात करना बहुत मुश्किल है। क्या वॉशरूम से होकर आ जाऊं मैं? जाओ। मैं बस अभी आई। हाँ हेलो बुर्जू। क्या हुआ सोना? मुझे लगा था मैं कर लूंगी लेकिन मुझसे नहीं हो रहा। हो कहाँ इस वक्त? वॉशरूम में निजात मेरा इंतजार कर रहा है। मेरे हाथ पांव फूल रहे हैं, क्या करूँ मैं? क्या इतने घंटों में बात नहीं हुई तुम्हारी उनसे? नहीं, बात नहीं हो पाई। काश कि तुम उसका चेहरा देख पाती। अजीब सा लग रहा है वो मुझे। अगर उससे कुछ भी गलत बोला तो मैं तो दो थप्पड़ लगा दूंगी उसे। पागल मत बनो सोना, ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। तमीज के दायरे में रहकर इंसानियत से बात करोगी। कैसी तमीज बुर्जू, मैं तो चूहे की तरह भागने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ भी कह सकता है, अगर कह दिया कि मुझसे प्यार करने की हिम्मत कैसे की तो क्या कहूंगी मैं? बताओ जरा। वो जो कहना चाहता है कहकर रहेगा, हम क्या कर सकते हैं? उफ़, तो तुम ही बताओ क्या करूं मैं, क्या यहां से भाग जाऊं? सोना, जहां हो वहीं रहो, टेबल पे जाओ, उनकी बात सुनो। जो वो कहे चुपचाप सुनना है, ठीक है? और जैसे उनकी बात खत्म हो जाए तो तुम चुपचाप वो लेटर टेबल पर रखना और उठ कर आ जाना, समझ गए मेरी बात? तो ऐसा करूं मैं? हाँ बिल्कुल ऐसा ही करना। बस बहुत हो गया है, अब जो भी है बहादुरी से सामना करो, उसके बाद आर या पार देखा जाएगा वो। ठीक है, बहादुर बनना है। ओके सी यू। बहादुर बनना है। क्या हो गया, डरती थोड़ी हूं मैं उससे? वैसे डर तो रही हूं मैं, जो होगा देखा जाएगा। ओके, डर के भागूंगी नहीं मैं उससे। जाती हूं। सोना। कहां जा रही हो? टेबल इस तरफ है। हाँ, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें गए इतनी देर हो गई थी, मुझे फिक्र हो रही थी। तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। माहिरा मेरी जान, क्या तुम बस यहीं बैठी रहोगी? ये मेरी पर्सनल जगह है और मुझे अच्छा लगता है यहाँ। आप भी जाएं, किसी को यहाँ आने की इजाजत नहीं। ठीक है, समझ सकती हूँ मैं। अगर मैं दूर होकर बैठ जाऊँ तो क्या तुम्हें एक स्टोरी सुना सकती हूँ मैं? नहीं, मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर नीचे चली जाती हूँ। हेलो जानान। हाँ निजात के घर पर हूँ मैं, आर्यन का इंतजार कर रही हूँ। हाँ उससे बात करनी तो थी मगर अभी तक मौका नहीं मिला है मुझे। बिल्कुल, उसको जॉब ऑफर करना चाहती हूँ मैं, काम वही होगा जो वो अफ्रीका में करती थी। पता नहीं वो कबूल करेगी कि नहीं। अच्छा ठीक है जानान, बता दूंगी मैं तुम्हें। खुदा हाफिज़। हाँ दे आंटी। हाँ कहो मेरी जान। चले आप मुझे परियों वाली कहानी सुनाए। अच्छा वाकई? जी बिल्कुल, मेरा बहुत दिल चाह रहा है कहानी सुनने का। ठीक है, अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है तो मैं तुम्हें जरूर सुनाऊंगी। आ जाए। ये रहा आपका ऑर्डर। एंजॉय योर मील। बहुत शुक्रिया। निजात, मुझे नहीं मालूम तुम किस बारे में बात करने वाले हो मगर इसके। ये विश तुमने लिखी थी ना? जब मैंने ये नोट पढ़ा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा सोना। मैं नहीं चाहती थी कि ये सब तुम देखो। मैं कल से देख रहा हूं कि ऐसी क्या भूल हुई मुझसे जो मुझे ये देखना पड़ा। क्या इसकी वजह मैं हूं? नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सब कुछ अचानक हो गया, पता ही नहीं चला। मैं हमेशा मोहतात रहा हूं। एक बाप होने के नाते मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया, लेकिन ये नोट देखने के बाद से। निजात, मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ कर दो मुझे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम ये नोट पढ़ो। मुझे तुमसे इस बारे में बात करते हुए शर्म आ रही है, इसलिए मैं। क्या मतलब है? क्या तुम इस बारे में जानती थी? क्या मतलब, ये मैंने ही तो लिखा है। क्या ये नोट माहिरा ने तुमसे लिखवाया है?
मायरा का नोट है ये। मुझे लगा कि उसने अपने किसी दोस्त से लिखवाया होगा, ये किसी बच्चे की हैंडराइटिंग लग रही है। तो माहिरा की नोट की बात कर रहे हो? शुक्र है खुदा का। खुदा का शुक्र है? सोना, तुम्हें हंसी किस बात पर आ रही है, जबकि मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे बुरा महसूस हुआ। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, माफी चाहती हूँ मैं। तुम इसे पढ़ोगी? मैं जब अम्मी के साथ अफ्रीका चली जाऊंगी तो बाबा अकेले रह जाएंगे यहाँ। विश है कि मेरे जाने के बाद बाबा उदास ना हो। क्या लिख दिया उस मासूम बच्ची ने, मैं समझा नहीं। क्या तुम इस बारे में जानती थी या नहीं? नहीं तो मुझे नहीं मालूम। निजात, अगर गलती से भी ये मेरी वजह से हुआ है तो मैं माफी चाहती हूँ तुमसे। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है सोना, सारा कसूर मेरा है। मैं तुमसे इसी बारे में बात करना चाहता था, इसीलिए तुम्हें डिनर पर इनवाइट किया। हमें इस मसले का हल निकालना होगा। ये खेल खत्म करना चाहते हो?